अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल हैं आप लोगों के। मैं वेलकम करता हूं अपने व्लॉग में। आज जो व्लॉग है वो हमारा विंटर लैंड हम हुए और हमारी स्लाइडिंग का टाइम शुरू हुआ और जाहिर है फिर हमने भी स्लाइडिंग दी। और इसके अलावा यहाँ पे काफी सारी ये लाइटिंग वगैरह भी बहुत खूबसूरत लग रही थी और -15 था भाई, -15। इसके अलावा फिर हम लोगों ने, मोहम्मद लोगों ने, हमने फिर ये रोलर कोस्टर का हमने सोचा कि क्यों ना हम ये किया जाए और इस पे भी हमने काफी इंजॉय किया और काफी लोग थे यहाँ पे और बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट थी। बिल्कुल जाहिर है हल्का हल्का म्यूजिक भी यहाँ पे बज रहा था। रोलर कोस्टर स्टार्ट होने से पहले वो हमें हिफाजती तदबीर बता रहे थे कि किसने क्या क्या करना है और उन सब कुछ चेक कर रहे थे कि कोई मेजर एक्सीडेंट ना हो जाए, किसी को कोई चोट ना लग जाए, तो वो भी वो चेक कर रहे थे कि किसी को इस तरह का कुछ इशू ना हो जाए। फिर उसके बाद जब ये रोलर कोस्टर हमारी स्टार्ट हुई तो भाई मैं बता नहीं सकता कि कितना ज्यादा एंजॉय करते रहे हम लोग। मोहम्मद देख रहे हैं, ये गुजरा मोहम्मद और मोहम्मद काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था रोलर कोस्टर। अच्छी खासी टाइम था इसका स्लाइड करने का और काफी स्लाइडिंग हो रही थी। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था यहाँ पे, काफी अच्छी फैमिलीज भी आई हुई थी और कोई इस तरह का कोई इशू नहीं था। फैमिलीज के लिए बड़ा सेफ था। वैसे भी जिस पॉइंट पर ये बना हुआ है पीएफ म्यूजियम के पास, वो ऑलरेडी फैमिलीज के लिए बहुत ज्यादा सेफ है। उसके बाद हमने जब रोलर कोस्टर कंप्लीट करने के बाद हमने आर्टिफिशियल स्नो को एंजॉय करने के लिए हम पहुंचे। अक्सा ने ये बर्फ फेंकी मेरे ऊपर और निम्रा, आयशा, मोहम्मद ये लोग भी एंजॉय कर रहे थे इस वक्त ये आर्टिफिशियल स्नो। तो ये देखें, यहां से ये आ रही थी स्नो और ये हम लोग सारे आर्टिफिशियल स्नो एंजॉय कर रहे थे यहां पर। फिर इसके बाद ये लोग पहुंचे बॉलिंग करने के लिए। ये बॉलिंग करने के लिए नहीं बॉलिंग, बल्कि एक दूसरे के ऊपर ये फेंक रहे थे और इस पे एंजॉय कर रहे थे। ये भी वहां पर अवेलेबल था बच्चों के लिए, तो बच्चे इसको भी काफी सारा इन्होंने एंजॉय किया। उसके बाद इन्होंने स्लाइडिंग का मूड हुआ और मोहम्मद साहब पहुंचे ये स्लाइडिंग के लिए। और ये देखें, इन्होंने यहाँ पे स्लाइड भी ली स्नो की, अच्छा सारी स्नो की थी। और ये देखें, ये भी अक्सर साहिबा जाओ यहाँ पर
ये देखें ये स्नो एंजॉय हो रही है, और ये इन्होंने ये देखें मोहम्मद थोड़ा सा बेहतर हुआ, और क्योंकि मैंने इसको कहा कि थोड़ा रुक जाओ बेटा चलते हैं बाहर। ये देखें ये कुछ तस्वीरें हैं आयश अक्सा मेरी, और ये देखें आई लव विंटर लैंड, और फिर ये कुछ पिक्चर्स हमने जो वहां पे क्लिक की थी वो मैंने अपलोड की हैं। तो जरूर बताइएगा आप लोग कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे ब्लॉग आने वाले हैं, जहां जहां हमने विजिट किए हैं वो बिल्कुल आप लोग वो ब्लॉग देखेंगे एंजॉय करेंगे। तो लाजमी मुझे कमेंट्स कीजिए, मुझे बताएं, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द अज जल्द सब्सक्राइब कर दें यार। इस तरह से ढेरों सारी वीडियोस आने वाली हैं जो आप एंजॉय करेंगे, और ये बहुत सारी वीडियोस पिक्चर्स थी जो हमने वहां पे क्लिक की और वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोग भी एंजॉय कर सके। मजीद अगर कुछ मालूम चाहिए विंटरलैंड के मुतालिक तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। एंजॉय करें ये पिक्चर्स,